A soya loaf. Soya is actually supposed to be a super healthy ingredient, and we're making it even healthier in the air fryer. Yes, ma'am. We're gonna take some besan. और अब डालेंगे थोड़ा सा दही और अब डालेंगे इसमें सोया ग्रैन्यूल्स. ये सोक किए हुए सोया ग्रैन्यूल्स हैं, यू कैन सोक देम. इसके बाद इसमें डालेंगे किशमिश एंड देन वी आर आल्सो एडिंग सम एप्रिकॉट्स. आई रियली लाइक फूड्स दैट सरप्राइज मी. लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग अ सर्टेन फ्लेवर एंड देन यू बाइट इनटू इट एंड सडनली देयर इज लाइक सम रैंडम टेक्सचर. That's actually ये जो ट्रिक थी अंदर चीजें छुपाने की, ये पुराने टाइम में नवाबों को इम्प्रेस करने के लिए बड़ी यूज की जाती थी. अब इसमें डालेंगे नमक और अब इसमें हम देंगे अपना ट्विस्ट, डालेंगे कसूरी मेथी. क्या बात. अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सोडा और इसके बाद इसको मिला देंगे बैटर में और इसको लाइटली फोल्ड कर देंगे. थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं मोल्ड में. अच्छा, अब ये जो हमने डो बनाया बड़े ध्यान से और ज्यादा इसको यूसिंग, आई एम हैंडलिंग इट वेरी वेरी काइंडली लाइक अ बेबी. और कारण ये है कि इसके अंदर जो हमने हवा डाली है बेकिंग सोडे से वो निकलनी नहीं चाहिए. जब तक एयर फ्रायर प्री हीट हो रहा है, थोड़ी सी बेल पेपर्स लेते हैं, बेल पेपर्स के अंदर मस्टर्ड लगाते हैं. अब इस लोफ को डालते हैं एयर फ्रायर में और साथ में डालते हैं अपनी बेल पेपर्स. एक सौ सत्तर पे 10 से 12 मिनट एंड नाउ वी वेट. अब बारी है प्लेटिंग की, लेकिन प्लेटिंग से पहले एक डिफरेंट सी डिप बनाते हैं इस सोया लोफ के साथ खाने के लिए. एक डिप बनाते हैं जिसमें हम लेते हैं मेयोनेज. माय आईज आर वाटरिंग. देर सारी काशुंदी. वेरी नाइस. आहा, ये बेल पेपर भी रोस्ट हो चुके हैं, ये लोफ भी तैयार है. सॉल्ट, ये बेल पेपर भी रोस्ट हो गई है. थोड़ा सा काशुंदी मेयो, धनिया. You know what? I'm feeling really healthy right now.